हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट समीर। आज की जो वीडियो होगी बेसिकली आपके दो ऑर्डर के बेस पे ये होने वाली है। रिसेंटली दो ऑर्डर सर्कुलर किए गए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए एक और ऐड ऑन करूँगा जो कि लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट्स का आपको आंसर कर देता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ऑलमोस्ट सारे जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर है यही सजेस्ट करते कि इसमें ज्वाइन ना करें, फिर वो खुद किस वजह से इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। मैं पर्सनली अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने अपने मोस्ट ऑफ़ द वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है कि सिविल डिफेंस में अगर आप पेड ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, सैलरी के लिए अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं, सो मैं आपको बता दूँ, या तो आप मार्शल में कीजिए या फिर आप अगर किसी और डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र हो जाता है उस सिनेरियो में आपकी जो सैलरी वो परमानेंट मिलेगी। इस वक्त प्रेजेंटली अगर मैं बात करता हूँ, मैं एज अ मार्शल वर्क कर रहा हूँ, सो उस सिनेरियो में मुझे हर मंथ पे आउट मिल रहा है। मुझे 1 साल 6 महीने वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ, मैं अच्छी तरह से सिविल डिफेंस में अगर बात करता हूँ प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एज अ बस मार्शल मैं वर्किंग हूँ प्रेजेंट में, सो जिस वजह से मुझे अमाउंट से रिलेटेड कंसर्न नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए शेयर करता हूँ कि इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ 2020 के बाद से अभी तक नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, ना स्टैंड मार्शल की ना बस मार्शल की। जो अदर्स वैकेंसी भी आई है वो रिसेंटली कट ऑफ कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है, जिस वजह से इस वक्त जितने भी वार्डन सेक्टर वार्डन हो जाते हैं पोस्ट वार्डन हो जाते हैं वो काफ़ी इस जो मोस्ट ऑफ द अगर हम बात करें तो 100 में से 95% जो सिविल डिफेंस के जो वॉलेंटियर हैं 90% वो भी घर बैठे हुए चुपचाप, ना उन्हें कोई ड्यूटी मिल रही है। बस अगर बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मीटिंग्स के लिए एजेंडा है, या फिर जो 6 दिसंबर को डायमंड जुबली सिविल डिफेंस बनाने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसके लिए जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, नॉट फर्दर। क्योंकि प्रेजेंट में ड्यूटी की अगर बात करता हूँ, ड्यूटी में सब जानते हैं कि ड्यूटी आएगी सबसे पहले सीनियर्स के थ्रू अप्रोच की जाएगी, सीनियर अपनी खुद की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त सीनियर की खुद की ड्यूटी हट चुकी है। हम बात करता हूँ प्रेजेंट में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया था कि इस वक्त सिविल डिफेंस में जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि इस वक्त जो आपकी सिविल डिफेंस में जो ड्यूटी लगेगी, पहले आपके जो सेक्टर वार्डन पोस्ट वार्डन या वार्डन्स के थ्रू आपकी ड्यूटी लगाई जाती थी, पर जो कि आप अब आपकी ऑफिस के हैंड से अब आपकी ये ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दी गई है, जिस वजह से नंबर ऑफ़ करप्शन की अगर हम बात करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करता हूँ जो पैसों की डिमांड होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट नील हो चुकी है, नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करता हूँ प्रेजेंट के टॉपिक पर, हम बात करता हूँ आज की, अगर हम बात करता हूँ 15 अक्टूबर को ये वीडियो बन रही है, रात के 12:30 बज रहे हैं, सो वीडियो प्रॉब्ली कल ही अपलोड होगी, कल संडे है। सो जिस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल मस्टिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है, मस्टिंग में नॉर्मली यही एजेंडा रखा जाता है, आपको बुलाया इस तरीके से जाता है कि ना जाने किस किस टॉपिक को बात की जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ दी जो मस्टिंग्स में ये एजेंडा उठाए भी जाते हैं, बातचीत भी कराई जाती है, पर जैसा बताया जाता है जो कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, जो डॉक्यूमेंट्स की रियलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करता हूँ, जैसे कि भी आपको पता होगा कि 29 और 30 अक्टूबर को आपकी छठ पूजा है, राइट। सो पहले क्या होता था सिविल डिफेंस में, जो भी निष्काम ड्यूटीज़ आती थी, निष्काम जो एक्साइज होती थी, वहाँ पे आपको 4 घंटे की ड्यूटी प्रोवाइड करनी होती थी। अब प्रेजेंट में आपके अगर मैं बताता हूँ तो मोस्ट ऑफ़ दी जितनी आपकी ड्यूटी आ रही है, चाहे आपकी इससे पहले कावड़ की ड्यूटी रही हो वो भी 8 घंटे की थी, अब जो ये ड्यूटी आई है ये भी 8 घंटे की कर दी गई है। एंड पहले प्रॉपर ये रूल था कि कोई भी अगर वॉलंटियर 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं सो वो पेड ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाती थी, पर इस वक्त इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देना कन्फर्म होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हो, चलो 8 घंटे भी ड्यूटी दे देते कोई कंसर्न नहीं है, 2 दिन की बात है, इस वक्त अगर हम बात करता हूँ आपके वार्डन सेक्टर वार्डन पोस्ट वार्डन जितने भी हो भी आपके सीनियर्स हैं उसके थ्रू नॉट एक्टिव की लिस्ट बनाई गई है विदाउट आपको इन्फॉर्म किए हुए। होपफुली ये जो बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके जो सीनियर्स है हेडक्वार्टर के हैंड से ये कंसर्न आया है, ऑर्डर दिया गया है प्रॉपरली कि जो भी वॉलेंटियर नॉट एक्टिव है कहीं पर ड्यूटी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, राइट, अगर उनके पास सी फॉर्म है सो वो एज अ सिविल डिफेंस वॉलेंटियर कंसिडर किए जाते हैं। डजेंट मैटर कि उनकी ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है, वो उनको पेड ड्यूटी मिली है नहीं मिली है,
कि नहीं किसी ने उनको अप्रोच किया या नहीं किया है। इस वक्त ये कंसर्न सिर्फ उनको होगा जो इस वक्त पेड ड्यूटी कर रहे हैं, और कहीं पे भी ना निष्काम ड्यूटी कर रहे हैं ना मस्टिंग अटेंड कर रहे हैं, उस सिनेरियो में उनको नॉट एक्टिव की लिस्ट में डाला जा रहा है। नॉट एक्टिव लिस्ट में आपसे प्रॉपरली एक रिटर्न में आंसर लिया जाएगा कि किस वजह से आप अभी तक सिविल डिफेंस में नॉट एक्टिव है, ऑल्दो आप वहाँ पे पेड ड्यूटी कर रहे हैं। या तो ये चीज़ हो कि ना आप अपनी पेड ड्यूटी कर रहे हैं ना यहाँ पे है। कोई सेंस बनता है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जो सिविल डिफेंस है वो एक निष्काम ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेवा एज अ सेवा के रूप में वो देखी जाती है। इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है एंड साथ ही साथ इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। स्टिल आपकी जैसे मैंने आपको बताया ये जो चैनल है आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दी जाएगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, राइट। अभी के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड बाय।